Hello everyone, welcome back to my channel. Hope all of you are doing good and in great health. तो अभी हम पहलगाम के लिए निकल रहे हैं. सो कल नाइट में ही हम वापस आए हैं फ्रॉम गुलमर्ग. तो अभी हमने नाइट स्टे किया था फिर से जरफसन होम स्टे में श्रीनगर में. तो अभी हम जो निकल रहे हैं ये टू नाइट्स के लिए निकल रहे हैं, फिर टू नाइट्स के बाद हम वापस आएंगे. तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा व्हीकल भी आ चुका है, सलीम भाई भी आ चुके हैं, हमारा जो ड्राइवर है. तो अभी बस हम निकलने वाले हैं. और सो बने रहिए हमारे साथ और इस जर्नी का भी आनंद लीजिए. अभी हम NH 44 होते हुए हम पहलगाम की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी हम पंपोर क्रॉस कर रहे हैं. सो पंपोर इस जगह पे जो वर्ल्ड का बेस्ट केसर सैफरन यहाँ पे उगाया जाता है. तो आप देख सकते हैं ये ऑन द लेफ्ट साइड ये पूरा फील्ड्स है सैफरन के. तो बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए. तो अभी हम संगम एरिया क्रॉस कर रहे हैं. तो अभी आप जिस देख सकते हैं कि ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी सारी बैट फैक्ट्री है. तो ये कश्मीरी विलोज जो वुड है उससे ये बैट बनता है और यहाँ का जो बैट्स काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया एंड इवन ये अब्रॉड भी एक्सपोर्ट होती है. तो हमने डिसाइड किया है कि जब हम वापस आएंगे पहलगाम से तो फिर इस बैट फैक्ट्री में रुकेंगे और फैक्ट्री को देखेंगे और बैट भी परचेज करेंगे.
तो बने रहिए। यहाँ पे एक एप्पल गार्डन के यहाँ सामने रुके हैं। नाउ दिस इज ऑन द वे टू पहलगाम। यहाँ पे काफी सारी एप्पल गार्डन्स है, जैसे मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, ये हर तरफ बहुत बड़े बड़े एप्पल के बगीचे हैं। तो अभी हम यहाँ रुके हैं टू यू नो एंजॉय फ्रेश एप्पल जूस। वैसे अभी तो एप्पल का सीजन नहीं है तो फ्रेश तो होगा नहीं, ये बेसिकली ये स्टोर्ड एप्पल है, तो ये स्टोर्ड एप्पल का जूस हम एक्सपीरियंस करेंगे। इन द मीन टाइम देखिए अभी अभी आप देख सकते हैं कि वो अभी एप्पल का जूस बना रहा है, हमने ऑर्डर दे दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल के जैम वगैरह है, पिकल्स है। तो अभी देखते हैं, अभी बने रहिए, ये अभी कुछ देर में हम ये टेस्ट करने वाले हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गार्डन कैसा दिखता है। जस्ट बी विथ मी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए फिलहाल तो ये जूस बना रहा है। तो अभी मैं आपको एप्पल गार्डन के अंदर में दिखाता हूँ। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ये एप्पल गार्डन है और हम जस्ट इसके अंदर में एंट्री लिए हैं। और फिलहाल तो अभी गार्डन में एप्पल नहीं है, लेकिन अभी आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट एप्पल के फ्लावर्स हुए हैं। और ये एक्चुअली सितंबर अक्टूबर महीने में ये पूरा फुल्ली ग्रोन एप्पल होगी। तो अभी फिलहाल गार्डन है और इधर पे एक एप्पल ट्री में डमी एप्पल लगाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट वगैरह है जहाँ पे आप कुछ फोटोज वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे इस गार्डन में चेयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के आप एप्पल जूस का आनंद ले सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं काफी बड़ा गार्डन है, ये काफी दूर दूर तक दिख रहा है, तो कोई अगर चाहे तो अंदर भी जा सकता है। तो काफी बड़ा एरिया है और ये एरिया पूरा यहाँ पे सिर्फ एप्पल के ही गार्डन दिख रहे हैं। तो अभी जैसे हमारा जूस रेडी हो गया है तो अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है, ये बढ़िया जूस है। एंड वैसे ये स्टोर्ड एप्पल है लेकिन टेस्ट वाइज तो काफी बढ़िया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब एप्पल के सीजन के टाइम में जब फ्रेश एप्पल का जब जूस बनेगा तब तो वो और भी टेस्टी होगा। तो फिलहाल हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टोर्ड एप्पल भी रखा हुआ है टू सेल इट। एंड इसे देख सकते हैं,
Caress our skin.